एक फिल्म नहीं चलेगी खान पठान। 10,000 का भी टिकट होगा, 10,000 का भी टिकट होगा तो लेकर देखने जाऊंगा। थिएटर मालिक भी समझ लें इस बात को, अगर फिल्म चलेगी तो वहाँ के नुकसान के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, हम पर्दा फाड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। सिस्से मजबूत रखे थिएटर मालिक। बायकॉट ट्रेंड चलेगा, और रह गई बात पठान की, पठान के लिए हम लोग बायकॉट नहीं कर रहे हैं, बैन की मांग कर रहे हैं कि हमें अश्लीलता नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए। ऐसी आजादी हमारी भारत की संस्कृति नहीं है, हमारा देश संतों का है, संता का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर ताबड़तोड़ विरोध करने के बाद आज फाइनली जो है पठान का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। पहले इस फिल्म में जो है दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के बिकनी का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद जो है इस फिल्म में कई बदलाव भी किए गए हैं और सेंसर बोर्ड ने भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चीज़ें बदली हैं। इस पर अब किस चीज़ का बॉयकॉट है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल सीपी में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब किस चीज़ का बॉयकॉट है। सर बताएं, अब तो सारी चीज़ें चेंज भी कर दी गई है, पहले भगवा रंग बिकनी का विरोध किया जा रहा था, तब बॉयकॉट किया जा रहा था, अब किस चीज़ को लेकर बॉयकॉट किया जा रहा है? मैडम, बॉयकॉट केवल और केवल अश्लीलता पे था और अश्लीलता पे ही रहेगा। जब तक बॉलीवुड अश्लीलता परोसना बंद नहीं कर देगा, बॉयकॉट ट्रेंड चलेगा। और रह गई बात पठान की, पठान के लिए हम लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, बैन की मांग कर रहे हैं, और बैन करा के छोड़ेंगे क्योंकि इसे थिएटर में चलन नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्या इससे पहले कोई फिल्म में अश्लीलता नहीं परोसी गई है, तब ये बॉयकॉट गैंग कहाँ था? बिल्कुल परोसी गई है। तो क्या अगर आज हम अपने देश में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें अश्लीलता नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए, एक तरफ ये हमारे बच्चों को तो बिकनी में दिखाना चाह रहे हैं, किस में दिखाना चाह रहे हैं, बिकनी में। दीपिका पादुकोण हिंदू दिखाई ना, ये विरोध किस चीज का है, भगवा रंग का है या बिकनी का? भगवा रंग नहीं, बॉलीवुड में जो बैठे हैं ना जितने, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक तरफ हिंदू बनाकर दीपिका को बिकनी पहना रहे हैं और अपने को तो ये क्या पहना रहे हैं, बुरखा। अगर आपको पठान दिखाने थे तो भगवा बुरखा पहना के दिखा देते ना, लेकिन बिकनी क्यों दिखाई, बिकनी क्यों दिखाई आपने? हम लोग अश्लीलता को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार ये जो नैरेटिव चलता रहा हमारे देश में, हमारे देश की युवा संस्कृति आज की डेट में आप देख सकते हैं, वो बराबर इसी नग्नता के साथ में अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा पीट रही है। ऐसी आज़ादी हमारी भारत की संस्कृति नहीं है, हमारा देश संतों का है, संता का नहीं है। ये कान खोल के सुन ले, बॉलीवुड वाले भी ये मनाते हों जो मनाएं, लेकिन हमारे बच्चे वही मनाएंगे जो इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर दिखाना है तो महाराणा प्रताप दिखाओ, अगर दिखाना है तो रानी लक्ष्मीबाई दिखाओ, अगर दिखाना है तो वीर सांगा दिखाओ, अगर दिखाना है तो हमारे इतिहास को दिखाओ। पठान को दिखा रहे हो और दिखाना है तो दिखाओ ना पठान, तुम्हारे अगर औकात है जो प्लेन पे चढ़ के गिरे थे, बनाकर दिखा दो ना मूवी, दिखाओ, ये नहीं दिखा सकते हैं। और रह गई बात मैडम, बायकॉट नहीं कर रहा है सनातनी, कौन बैन की मांग कर रहे हैं, और साफ कह रहे हैं, थिएटर मालिक भी समझ लें इस बात को, अगर फिल्म चलेगी तो वहाँ के नुकसान के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, हम पर्दा फाड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। सिस्से मजबूत रखे थिएटर मालिक, और जो कहता हो कि जो ट्रेलर भी रिलीज हो गया, ट्रेलर तो ये भी रिलीज हुआ था, देख लो, दिखाना इसको वीडियो, इसको लगा के इसमें लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, बैन हुई थी 2017 में, सेंसर बोर्ड ने बोला था कि एक विशेष धर्म की भावनाएं, अरे भावनाएं हाथ हो गई, थारी वाली लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती, थारी वाली लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती, और मारी भगवा रंग के बिकनी में बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उस सीन को काट, उस सीन को जो है हटा दिया गया है फिल्म में, कई सारे चेंज भी किए, फिल्म ही हटाएंगे। किस चीज का बॉयकॉट है, जो जिस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा था उस चीज को हटा दिया? अब बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि देश में एक फिल्म बैन नहीं हुई है, जब जब भावनाएं आहत हुई है, जब जब फिल्में बैन हुई है, फिल्म आई थी आंधी,
फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनी थी, उसके राजनीतिक सफर के ऊपर बैन हुई थी। फिल्म आई थी बैंडेड क्वीन, विवादों में रही थी, बैन हुई थी। फायर फिल्म आई थी जिसमें जो है फायर फिल्म में लेस्बियन कल्चर दिखाया था, बैन हुई थी। पिंक मिरर आई थी, इसमें भी समलैंगिकता दिखाई थी, बैन हुई थी। कामा सूत्रा आई थी, अश्लीलता पे बनी पिक्चर, बैन हुई थी। वाटर पिक्चर बनी थी विधवाओं महिलाओं के ऊपर, बैन हुई थी। ठीक है, और प्रोसेसर पिक्चर बनी, एक बुजुर्ग के और एक छोटी लड़की के संबंध दिखाना, बैन हुई थी। इंसाफ का तराजू, राज बब्बर की फिल्म 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार, उस फिल्म पे भी जो है बवाल कटा था, सॉरी उस पे भी बवाल कटा था। द पेटेंट हाउस, ये भी एक बुढ़े फिल्म की, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक लड़की के साथ, क्या समाज में संदेश देते हैं। फिल्म आई थी 5, जोशी अभियंकर का हत्याकांड दिखाने वाली फिल्म, वो भी बैन हुई थी। गुजरात दंगे पे परजानियां बनी थी, वो भी बैन हुई थी। बीजेपी भी कान खोल के सुन ले, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जब ये पिक्चर नहीं चलेगी तो देश में हिंदुओं की बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़ों में दिखाने की अब एक पिक्चर नहीं चलेगी, एक पिक्चर नहीं चलेगी। क्यों? तुम्हारी तो लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती, तुम्हारी लिपस्टिक नहीं लगा सकती मारी, तुम नेकर बनियान में दिखा रहे हो। दिखाई थी ना आमिर खान ने अपनी लौंडिया नेकर में, एक रिश्ता नहीं मिला मुस्लिम समाज में, हिंदू को बिहानी पड़ी थी लौंडिया। आपने बैंडेड क्वीन देखी थी? बैंडेड क्वीन देखी थी? अब कोई सुनने को तैयार नहीं। बैंडेड क्वीन देखी थी? सीमा विश्वास को पूरी नंग दिखाई थी, सेंसर ने कैसे पास कर दी? जब नंगता कहाँ गई इनकी? कहाँ गए थे लोग बाजू बोल बोल रहे नंगता नंगता नंगता, कहाँ गई थी इनकी नंगता? कुछ भी बोल दो यहाँ के, ये सिर्फ 250 करोड़ की बनी है, 350 करोड़ उसने कमा लिया ओटीटी राइट और ओवरसीज राइट बेच के। आपको बता के कमाई है? ये करोड़ों की बात वे करते हैं जो बेरोजगारी पे यहाँ धरना पीटते हैं, बेरोजगारी के पे छाती पीटने वाले। अभी ने फिल्में भी देख ली है, फिर टिकटॉक के पैसे भी निकल आएंगे, कई करोड़ों कमाएंगे, फिर बेरोजगारी पे एक फिल्म नहीं चलेगी। खान पठान इससे पहले नंगता नहीं परोसी गई, इससे पहले इस तरह की फिल्में नहीं आई, तो फिर तब पहले जो भी देश में हुआ हुआ, इससे पहले कोई उदयपुर का कांड नहीं हुआ था, कोई कन्हैया लाल इससे पहले बना था, किसी कन्हैया लाल की गर्दन उतरी थी। अब हम हिंदू जाग गए हैं, एक पिक्चर नहीं चलेगी, खान पठान को यहाँ ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा, तो पिक्चर देखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों हर बार चलने ही नहीं देंगे हम, चलने ही नहीं। क्यों हर बार मुस्लिम समाज को ही टारगेट किया जाता है? कोई टारगेट नहीं कर रहा, पहले शाहरुख खान को टारगेट किया, आतंकवाद को टारगेट किया जाता है, ठीक है, अलगाववाद को टारगेट किया जाता है, पठान के नाम पे असलियत ना दिखाने वालों को टारगेट किया जाता है। जो पठान वहाँ अफगानिस्तान का सच नहीं दिखा सकते, कैसे वहां से बहन बेटियों को छोड़ छोड़ के भागे थे, उनको टारगेट किया जाता है। यहाँ पे आके रईस पिक्चर में पठानों को, गुंडागर्दों को, गुंडागर्दी करने वालों को, बदमाशों को ग्लोरीफाई करोगे? बिल्कुल नहीं चलना। जब आतंकवाद की बात की जाती है, एक मिनट, जब आतंकवाद की बात की जाती है तो हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। क्या आतंकवाद सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग? इस पे भी इसने एक पिक्चर बनाई थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय डियर यू आर ओनली द टेररिस्ट, नॉट अ सिंगल हिंदू इज द टेररिस्ट, एक हिंदू टेररिस्ट हो तो दिखाओ। फिल्म हिट हुई थी वो, कितनों फिल्म का राजनीति हो जाए ना, लेकिन सुनिए पठान मूवी में ये नहीं, कोई और भी बुराइयां दिखाई गई हैं। आप खाली भगवा धारी वाला वो कह रहे हैं कि भगवा कलर, मानता हूँ भगवा कलर बता रहे हैं, खाली भगवा कलर नहीं है, लेकिन पठानों का वनवास से तुलना कर दी, वनवास से तुलना, अरे ट्रेलर देख लो आप, एक बंदा ट्रेलर में हमें बता रहे हैं, देश की आजादी में यार रेगिस्तान में रहने वाले सिख रेगिस्तान में रहने वाला ने कौन सा वाला वनवास काट दिया हमें बोले दो यार, देश की आजादी में पठान खान लोग का भी योगदान है पंडित जी या बाबू साहब जो भी है। मेरे भाई सुनो, तो उनके ऊपर बनाओ ना, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर पिक्चर बनाओ ना, हम देखेंगे। हमने मेरी बात सुनिए, 10,000 सुनो भाई सुनो, 10,000 का भी टिकट होगा, 10,000 का भी टिकट होगा तो लेकर देखने जाऊंगा। पहला शो फर्स्ट दिन 10,000 का भी टिकट होगा ना खरीद के, और देखने जाऊंगा पठान मूवी। हम भी
पठान मूवी अपनी तो लिपस्टिक भी नहीं लगाएगी, पठान मूवी देखने जाएंगे, लिपस्टिक भी नहीं लगाएंगे, पठान देखेंगे, पठान पठान देखने जाएंगे मूवी, पठान देखने तो जब जाओगे, जब वो चलेगी चलना ही नहीं देंगे। अब तो भगवा का विरोध था ना, वो सीन काट दिए गए, अब किस चीज का विरोध, किस चीज का विरोध, शाहरुख खान का विरोध है, वो मुस्लिम है इसलिए, मुस्लिम है इसलिए और हम जाएंगे ये ना जाए, आप मत जाना, हम जाएंगे सब हमें बताओ, हम आप देखने जाएंगे, और आप भी चलना, आप ये बताओ, ये भी जाएंगे हमारे साथ, हम भी जाएंगे, ये भी जाएंगे। बायकॉट फिल्म का भी किया जाएगा, जिस क्यों किया जा रहा है, जिस भगवा रंग के लेकर जो विरोध हो रहा था वो तो हटा दिया, अब किस चीज का विरोध, क्या वो मुस्लिम है इस वजह से, जिस भगवे कलर को साधु संत दुर्वेश फकीर तपस्या करते हो उस कलर का अपमान किया जा रहा है, वो आप अब किस चीज का विरोध है, अब तो भगवा रंग का लेकर जो विरोध हो रहा था उसे भी हटा दिया, अब किस चीज, आपने कहा बिकनी का, क्या पठान फिल्म से पहले किसी हीरोइन ने बिकनी नहीं पहनी या इस तरह की किसी ने अश्लीलता नहीं पहनी, 20 कट लग चुके हैं, कांग्रेसियों का मुंह बंद हो चुका है, शाहरुख खान पठान का मन्नत बिकने वाला है, कांग्रेस के पेट में सेकंड दर्द तब होगा, क्या वो मुस्लिम है इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या वो मुस्लिम है इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, नहीं शाहरुख खान क्या है, एजेंडा बाज है, दाऊद के टुकड़ों पे पलता है वो, दुबई में उसे बुर्ज खलीफा में घर मिला हुआ है, और वो बंदा दाऊद इब्राहिम के पैसों पे बन रखी है फिल्म, ध्यान रखना, आपको पता है दाऊद कहाँ है, दाऊद पाकिस्तान में है, इसे ढूंढने जाएंगे एक दिन, दारा मैडम हम सपोर्ट कर रहे हैं अखंडा को, 20 तारीख को आ रही है, सब देखने जाना, क्या आपके हिसाब से बाहुबली रामायण अगर यही फिल्म आएगी तो ही फिल्म देखी जाएगी, वरना सारी फिल्मों का बॉयकॉट कर देंगे, मैडम देखो शाहरुख खान ने अच्छी फिल्में बनाई है, DDLJ 6 महीने चली या नहीं चली, ओम शांति ओम से ही आए थे, लेकिन ये जो बॉयकॉट गैंग है ये कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही चलन में, ये बॉयकॉट करने वाले जो लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जागृत हुए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, दिशा सालियान की हत्या, पालघर के साधुओं की हत्या, बायकॉट ने गैंग की बोला, बायकॉट सुनील शेट्टी ने बोला, बायकॉट गैंग विरोध करो, सुनील शेट्टी को विरोध कर देंगे भाई, अगर सुनील शेट्टी अगर बदतमीजी करेगा गलत पिक्चर बनाएगा तो भैया शाहरुख खान को ना भैया बोलना चाहता हूँ, आपने कहा बदतमीजी फैलाएगा, लेकिन गुजरात के मॉल में जिस तरीके से तोड़फोड़ किया गया था वो क्या था, अगर यही पिक्चर मुस्लिमों के खिलाफ बनी होती तो क्या मुस्लिम समाज नहीं जाता, मुस्लिम समाज तो साला पूरा हॉल का हॉल ही उखाड़ देता जड़ से, अगर थोड़े से सनातन याद चले, नहीं मेरा कहना सिर्फ ये है कि पहले जिस तरीके से भगवा रंग का विरोध किया जा रहा था और जिन जिन चीजों में बदलाव करने को लिए कहा जा रहा था वो सारी चीजें कर दिया, अब किस चीज का बॉयकॉट, अब बॉयकॉट पता किस चीज का हो रहा है, शाहरुख खान ने जो धमकी दे दी है ना, वो भाई कांग्रेसी थोड़ा सा साइड, भाई शाहरुख खान ने जो धमकी दी है ना कि छोटी मोटी हवा से कांग्रेसी, हम कांग्रेसी है, हिम्मत से बोलने वाले, हम ताके से बोले कांग्रेसी, हम राम वाले हैं, राम वाले कांग्रेसी, हम भी मर्यादा पुरुष नहीं, कांग्रेसी कांग्रेस ने तो पैंट कमी, अच्छा क्या कांग्रेसी वाले राम नहीं बोल सकते, ये कहां का वो है, मैं बताता हूं, मैं बोलता हूं, बोलो सीताराम बोलो सीताराम, कितने कांग्रेसी भैया हाथ उठाना, भैया बोलेंगे जय सीताराम, बोलो सीताराम, यहाँ पर भीड़ में खड़ा हूँ, मैं भीड़ में खड़ा हूँ जय सीताराम नहीं बोल सकता, मोदी वाला फैसला कर लो ना मैडम, एक सेकंड भाई साहब चुप, मोदी का और कांग्रेस का फैसला कर लो, जय श्री राम मैं बोला की सेंसर बोर्ड में कितने भी छांटकंट करे फिल्म के ऊपर शुरू से नियत खराब थी, इसीलिए हम नियत को विरोध करते हैं, हम रॉन्ग नहीं है, ये नहीं है, उनका नियत खराब थी शुरू से, बाद में उनको कैंची डाला है, सेंसर बोर्ड में काटा है, जब प्रेशर आया तभी उनको फिल्म बनाने से नियत से पता चलता है कि उनका मकसद क्या था, किस उद्देश्य से फिल्म बना था, इसलिए विरोध किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है हम CP में मौजूद थे यहाँ पर, हालांकि जो है कई पक्ष जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वहीं कई पक्षों का कहना है कि वो इस फिल्म को बैन करवा कर रहेंगे क्योंकि जो ये फिल्म है ये कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।